गाइस, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मिस्टर एंड मिसेस उपाध्याय व्लॉग्स पर। तो गाइस, अभी सुबह के जो है 10 बज रहे हैं और गुड़िया के पापा तो जा चुके हैं अपनी जॉब पर और फिलहाल तो वैष्णवी और मैं बैठे थे। अभी ये रोने लगे थे जब इसके पापा और इसकी दादी अब जाती है ना, ऐसे रो रही थी। ये रो के भी दिखा रही है। कैसे रो रही थी बेटा, कैसे रो रही थी देर हो के बताइयो। तो सुबह के टाइम जब इसकी पापा और इसकी माँ जी जाती है ना, तो तब ये ना मतलब रोती है जरूर। इसका डेली का हो गया है रोना, सुबह के टाइम रोती जरूर आएगी। अब फिर से रो के दिखाएगी। आज है रामनवमी और रामनवमी की आपको हार्दिक शुभकामनाएं और राम जी का जन्मदिन है आज। तो शाम के टाइम सोचा हुआ है हमने मंदिर जाना, राम जी के मंदिर जाएंगे और प्रसाद चढ़ा के आएंगे, राम जी को हैप्पी बर्थडे बोल के आएंगे। क्या हुआ, क्या हुआ वैष्णवी, कहाँ चोट लगी, कहाँ चीज लगी थी चोट वैष्णवी के, वहां लगी थी वैष्णवी ना जिम निकले जा रही थी ना, और तो वैष्णवी का जो है पैर स्लिप हो गया पानी में, तो इसका जो है पीछे से सर लग गया। मम्मी ने बताया भी हमें कि इसका सर लग गया और इसका चोट लग गई, पर इसके ना सबने लाड करे वहां पे। कैसे लाड करी वैष्णवी की, कैसे लाड करे थे, ऐसी रोई थी वैष्णवी। अब ऊपर ले लो, हाँ हाँ मेरे बच्चे मोटा हाथी देखेगी, मोटा हाथी, एक मोटा हाथी झूम के चला मकड़ी के जाल में जाके वो फंसा। ये देखोगी तो अभी वॉशिंग मशीन लगाई हुई है और कपड़े धुलने लगे। सुबह से ना लाइट नहीं आ रही थी, बहुत वेट किया लाइट का, और वैसे हमारे टैंक का भी जो पानी है वो भी खत्म हो गया था। वेट करने के बाद आखिरकार 9:15 बजे लाइट आई और उसके बाद नहाना किया और पोछा तो आज मैंने लगाया ही नहीं है। बिल्कुल टैंक का भी पानी खत्म हो गया था और रात में ना वॉशिंग मशीन में पानी भर के लेट रही थी। सोचा था सुबह को जल्दी उठ के जल्दी कपड़े धो दूंगी और वैष्णवी के उठने से पहले पहले कपड़े धुल जाएंगे। और जब उठी सुबह के टाइम, पानी तो मैंने वॉशिंग मशीन में डाल दिया था, पर जब जिस टाइम पे सुबह के टाइम में उठी लाइट ही नहीं आ रही थी। हाँ बेटा चले तो खड़े हो जाइए। आज तो वैष्णवी 2-3 जगह गई थी जिमने के लिए। चला लो इधर, चला कपड़े सुखाएंगे, आ जाओ बाहर आ जाओ। मैं आ गई हूँ बालकनी में कपड़े सुखाने के लिए। तो गाइस आज ना बहुत ही अच्छी धूप निकली हुई थी, कपड़े सुखाने के हिसाब से तो बहुत ही अच्छी निकली हुई थी और गर्मी तो बहुत ही ज्यादा होने लग गई है अब तो। वैष्णवी कपड़े मैं बालकनी में सुखा देती हूँ, बाकी अपने कपड़े अंदर सुखाती हूँ। मैं ऊपर छत पे नहीं डाल के आती हूँ कपड़े, क्योंकि हमारे यहाँ पे ना मंकी इतने आते हैं बहुत ही ज्यादा और वे कपड़े जो है मंकी फाड़ देते हैं, इसलिए मैं ऊपर नहीं सुखाती हूँ, अपना नीचे ही सुखा लेती हूँ। और ऊपर इसलिए नहीं सुखाने जाती हूँ मैं कुछ कपड़े, क्योंकि जो है वैष्णव के कारण वैष्णव फिर मेरे साथ में ऊपर जाती है और उसे लेके ऊपर जाना बहुत ही मुश्किल होता है, इसलिए मैं नीचे ही सुखा लेती हूँ। तो आज जो है बहुत ही अच्छी धूप निकली हुई थी और वैष्णवी जो है अंदर खेलने लगी थी अपनी कार के साथ में, तो बार बार मुझे उसे देखना पड़ रहा था, कभी वो रेलिंग के पास में आ जाए, मतलब जिन्नी के पास में आ जाए तो बार बार उसे देखना होता है वो, क्योंकि जितनी बड़ी होती जा रही है ना उतनी ही शैतानी करती रहती है वो, बहुत ज़्यादा। वो कुछ भारी सामान होता है उसे भी खिसकाने लग गई है, वो वॉशिंग मशीन के पास में जा रही थी तो उसका बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना होता है। चलिए तो गाइज आप एंड तक बन रही हमारे व्लॉग में, इंजॉय कीजिए हमारे व्लॉग को।
परेशान कर दिया आज तो लाइट ने, इतना ज्यादा परेशान कर दिया बहुत ही। अब मतलब सारे कपड़े तो धुल चुके हैं, जो बेडशीट वगैरह है ना वो रह गई है। और वैष्णवी जा रही थी जिमने के लिए, मैंने सोचा क्यों ना जल्दी जल्दी वैष्णवी इतने जिमने के लिए जा रही तब तक जो अपना सारा काम खत्म कर लेती हूँ। कहाँ से करूँगी, लाइट ही नहीं है यहाँ पे, लाइट जा चुकी है। लाइट भी आज सुबह से इतना परेशान किया हुआ है ना बहुत ज्यादा। ये क्या किया बाबू आपने, बताओ। जिमने के लिए मिली थी इसे, जिमने के बाद ये पूरी हलवर्स ने देखो क्या हाल किया हुआ है। वैष्णवी आपने क्या किया बेटा, ये ऐसे कौन खाता है जैसा आप खाती हो इस तरीके से। वैष्णवी सो चुकी है, आराम से सो रही है, और इतना सारा सामान फैलाने के बाद पूरा बेड शीट जो है पूरी गंदी कर दी थी तो साफ करनी पड़ी। और अभी जो है सूट सिलूंगी क्योंकि सारा काम है जो फिनिश हो चुका है। अभी बैठ कर अपना सूट सिलूंगी क्योंकि कहीं जाने का प्लान है फुल फैमिली के साथ में और सब जाएंगे, इसलिए जो है मेरे सूट अभी तक सिले नहीं है, अभी तक मेरी तैयारी नहीं हुई है। बाकी पूरे घर वालों की सबकी तैयारी हो चुकी है, बस मेरी रह रही है कुछ ना कुछ, कुछ ना कुछ थोड़ा मोटा रहता ही रहता है। बस अभी जो है सूट सिलना है मुझे, अपने मुझे भी अपनी तैयारी करनी है। बाकी अभी मार्केट भी जाना है, शॉपिंग भी करनी है, और वैष्णवी के कपड़े भी खरीदनी है। वैष्णवी के कपड़े भी नहीं आए, वैष्णवी के पापा के कपड़े नहीं आए। मैं तो जो है अपना ही अरेंजमेंट अपने आप ही कर लेती हूँ घर से ही, ठीक है। क्योंकि मेरे पास ना मतलब सूट तो मतलब मेरे पास जो सूट के कपड़े रखे थे, मतलब सिला सिलाया सूट नहीं रखा था, सूट के जो कपड़े रखे थे तो सिलने बाकी थे तो सिल रही हूँ, क्या बोलते हैं। और बाकी सबके तैयारी हो चुके हैं, पापा जी है वे भी अपने कपड़े दे के आ चुके हैं टेलर को, और बस हमारी रह रही है अभी तो तैयारी। बस हम भी जल्दी जल्दी अपनी तैयारी करते हैं। गाड़ी में थक चुकी हूँ थोड़ी सी, सोचती हूँ मैं सुबह ना जल्दी काम इसलिए निपटा लेती हूँ, गुड़िया के पापा के सामने सारा काम इसलिए निपटा लेती हूँ क्योंकि फिर ना वैष्णवी को खिलाने में मेरे ना पसीने छूट जाते हैं क्योंकि ये अब बैठती नहीं है एक जगह, इधर उधर घूमती रहती है। और दूसरी बात, जो हमारा जिन्ना है ना ऊपर का भी और नीचे वाला भी जिन्ना, तो वहाँ पे गेट नहीं लगे हुए, और जिन्ने के बराबर में जो दीवार है ना वहाँ पे थोड़ा सा थोड़ी सी छोटी ही दीवार है, तो वहाँ पे भी ना बहुत ज़्यादा डर लगता है, तो इसलिए थोड़ा ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। और अब तो मैडम जो है रेलिंग पे भी खड़े होने लग गई, वो रेलिंग पे से नीचे भी झांकने लग गई, ये सब करने लग गई, तो इसका ना कुछ ज़्यादा ही ध्यान रखना पड़ता है हमें, बहुत ज़्यादा परेशान करने लग गया गाइस। चले तो इसके उठने से पहले मैं सूट सिल लेती हूँ और मिलती हूँ आपको बाद में, तो सिलने के बाद ही, क्योंकि एक एक मिनट ना मेरे लिए ना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब सो जाती है तब तो मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। चलो तो मैं अपनी तैयारी कर लेती हूँ, मिलती हूँ बाद में। बेटा इसने बोला घुमाया था यहाँ पे, इसके माथे पर तिलक लगा रही थी, मैं तो मत के इसने एकदम सर नीचे कर लिया और उसके यहाँ पे लग गया था। बेटा इसकी वो आई हो इसकी ये वाली कल से जो है गिफ्ट में ये बॉक्स मिला था, लंच बॉक्स, ये लंच बॉक्स मिला था, इसने पूरी आई थी रख के और इसने सारी पूरी खा ली अपनी, और इसके साथ में ना खेलने लग रही थी। छोटा बेबी नहीं चला फिर तब चाय तो देखे वैष्णवी माँ की गोदी में लेट के चाय पी रही है, दूध तो से मिलता नहीं तो चाय से काम चला रही। मैं ना चाय पी रही थी ना तो इसने इसने मंगा और चाय पीनी थी इसे। क्या चाहिए वैशु? फैन तो हमारे जो है बैठक में फैन लग चुका है, वरना उतर गया था, ये फैन खराब हो गया था ना तो उतरवा दिया था और लग भी गया है। ये भी मेरी तो चाय की शौकीन बनेगी, पर चाय की आदत ना हटवाऊंगी, गलत बात है चाय पी दी, मेरी आदत खराब हो रही है इसकी भी हो जाएगी। मुझे तो बहुत बुरी आदत है चाय की, मुझे छोड़नी पड़ेगी चाय, मैं खुद सोचती हूँ अपनी आदत जो छोड़ दूँ चाय की। हाँ वैसे कम हो चुकी है मेरी आदत, वरना मम्मी कितनी चाय भी होती ना, मैं खाना खाते टाइम भी, शाम के टाइम भी, दोपहर में भी, मम्मी को परेशान रखो थी कि मम्मी चलो आप भी चाय पी लो, मम्मी का शुगर हाई रखो थी है ना मेरी, मम्मी का शुगर भी हाई रहता है मेरे कारण, पर मैंने भी मुझे कम कर दी।
अब ऐसा होता है मिल गई तो ठीक है, नहीं मिली तो भी ठीक है। अब तो मेरा ऐसा रहना चाहेगा। मम्मी का सुगर तो अभी भी बढ़ रहा था कल। तो गाइस ये देखिए पापा जी के दोस्त हैं, उनके यहाँ से ना बहुत सारा लहसुन आया है, है ना? पापा जी के दोस्त के यहाँ से आया ना, तो उनके यहाँ से आया इतना सारा लहसुन। हमारे यहाँ तक खेती हो चुकी है, हमारे घर में लहसुन की खेती। बेटा ये सूखने के लिए रख रखे हैं, क्योंकि उस दिन भैया आए थे ना लेके, तो उस दिन ना नहीं ताजी ताजी मतलब पाट के लेके आए थे वो, चलती वहाँ पे। और नाज धो रखा ना बाहर, तो उसे दिखाने लगी, नाज को दिखाती हूँ मैं आपको। बाहर ना नाज धो के रख रखा है सूखने के लिए, ये मेहंदी बार बार देखने के लिए आ रही। आ जाओ वैशु, और ये साइकिल है ना विधान की, वैष्णो के ऊपर गिर गई थी। दोनों भाई, एक ने तो बुलेट डलवा ली थी अपने ऊपर, और एक ने साइकिल डलवा ली। अच्छी धूप निकल रही है आज तो, बहुत ही अच्छी है, बहुत ही टाइट धूप। कल की तो छुट्टी पड़ रही है, आज की नौमी की तो छुट्टी है, कल भी जाओगे स्कूल में? आप जब ट्यूशन जा कर ट्यूशन लगाओगे मुझे भी डांस है नहीं, और वैसु का भी, वैसु भी बड़ा बस्ता लेके जा रहे स्कूल में। वो पाटो सीख नहीं रहते, चल ना ना कर दो। मैं हाँ मैं तो वैसु को लेके जाऊंगी, बच्चे देख ले हमारे पाँव भी दुखने लगे, कमर भरी दुखने लगी। आपका पागल बना दे के दंदों के दंदों पाला बेटा, अपना पागल बन रही हूँ माँ जी का, यू एक ही वोट है सबको दुखी करने के लिए। अभी शाम के जो है 4:30 हो रहे हैं, उस ब्लॉग को करते हैं यहाँ पर ही एंड, क्योंकि मुझे ब्लॉग एडिट भी करना फिर डालना भी है, तो उस ब्लॉग को करते हैं यहाँ पर ही एंड। तो जान से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, हमारे वीडियो को लाइक करना, और कमेंट करके बताना आपको आज का ब्लॉग लगा कैसा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय टाटा, जय माता दी, राधे राधे।